सोनू सूद की बहन मालविका सूद जब बीते रोज कांग्रेसी हुई तो ये कयास लगने लगे कि बीजेपी सूद से इसका बदला सूद समेत ले सकती है। ऐसा दावा किया जाने लगा कि बीजेपी जल्द सोनू सूद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी कर सकती है। अब इन तमाम कयासों को लेकर सोनू सूद ने खुद चुप्पी तोड़ी है। सोनू सूद ने इन कयासों को लेकर कहा है कि मेरी बहन ने कांग्रेस ज्वाइन की है, हालांकि बीजेपी के और भी मेरे कई मित्र हैं। मैं एक अभिनेता और एक समाज सेवी के रूप में काम करता रहूंगा और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को इससे कोई आपत्ति होगी। बीते रोज एक इंटरव्यू के दौरान सोनू सूद के ये शब्द थे जब उनसे ये सवाल किया गया कि अब उनकी बहन कांग्रेसी हैं तो क्या बीजेपी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है। सोनू सूद ने साफ शब्दों में कहा कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा काम तो एक्टिंग है, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल एक्टिंग और सेवा ही मेरा टारगेट है। और पंजाब में जो मालविका कर रही हैं, वहां के लोग कांग्रेस के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं। मैं बतौर भाई उनके साथ रहूंगा, लेकिन सियासत से दूरी बनाकर ही रखूंगा। सोनू सूद की यह प्रतिक्रिया उन तमाम कयासों के जवाब के तौर पर देखी जा रही है जिसमें यह कहा जा रहा था कि मालविका का कांग्रेसी होना सूद की निजी जिंदगी पर असर डाल सकता है। अब फिलहाल बीजेपी का इस पर रिएक्शन क्या आता है और सोनू सूद पर क्या वाकई बीजेपी कोई कड़ा कदम उठाती है, इन तमाम तथ्यों पर हर सियासी जानकारों की नजरें हैं।